नमस्कार, जय हिंद। एक बार हमारे प्रधानमंत्री बॉर्डर पर गए और बीएसएफ का एक कार्यक्रम था, वहाँ पर उन्होंने आर्मी की वर्दी पहन ली। उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी आई और इसी को लेकर प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्ले डाली गई और उसी को लेकर कोर्ट ने पीएमओ को एक नोटिस भेजा है। तो एक एडवोकेट है जिनका नाम है राकेश नाथ पांडे, रिसेंटली जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पीएम ने 4 नवंबर 2021 को जब गए थे तो उन्होंने इंडियन आर्मी की एक यूनिफॉर्म पहन ली, ठीक है। इसको लेकर राकेश नाथ पांडे जिन्होंने वो याचिका डाली है उसमें कहा गया है कि सेक्शन 140 आईपीसी के ये अगेंस्ट है कि पीएम मोदी आर्मी की वर्दी नहीं पहन सकते और इसके लिए एक नोटिस है वो पीएमओ को सेंड किया गया। नोटिस का जवाब देने के लिए पीएमओ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, ठीक है, और कोर्ट में वो सारे रीजन बताएगा कि मोदी जी ने वो यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी, ठीक है। वैसे दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर इस तरह का कोई केस नहीं बनता, चलिए हम लोग उसी की बात करने जा रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि मोदी जी खुद जाएंगे नोटिस का जवाब देने के लिए, क्योंकि इस तरह के केसेस होते रहते हैं। अगर मोदी जी ने नोटिस का जवाब देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जाने लगेंगे तो फिर बाकी के काम कैसे होंगे, इसलिए यूजुअली एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन 140 आईपीसी। ये आईपीसी है क्या? अगर आप एक सिविलियन हैं और आर्मी की यूनिफॉर्म को पहनते हैं और उसके साथ साथ टोकन और बैचेस भी धारण करते हैं, टोकन मतलब वो जितने भी सम्मान मिले होते हैं वो आप यहाँ लगा देते हैं और बैचेस जो आपके शोल्डर पे लगा जाते हैं अगर आप उनको भी यहाँ पर लगाते हैं तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन ये पनिशेबल ऑफेंस का आपने समझिए, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, फिल्म एक्टर वगैरह कोई किरदार को शो करते हैं तो वहाँ पर भी वो ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन वहाँ पर पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। क्यों? देखिए, इसमें पहली चीज़ लगाई गई है कि ये इंटेंशन होनी चाहिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की इंटेंशन है और लोग ये मान लें कि वो आदमी सोल्जर है तब सज़ा हो सकती है, और जो सज़ा का प्रोविज़न है वो 3 महीने की जेल या फिर 500 रुपये या फिर दोनों हो सकते हैं। अब मोदी जी का केस स्पेशल है, पहली चीज़ उन्होंने खुद नहीं पहनी, उनको वो यूनिफॉर्म बीएसएफ ने दी थी, नंबर दूसरी चीज़ उसमें कोई बैजेस नहीं लगे हुए, कोई बैजेस नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको मैं इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज पे देखिए, यहाँ पर उनको कोई बैजेस नहीं लगे हुए, उसमें कोई सिंबल भी नहीं है और कोई रैंक भी नहीं लिखी हुई। यहाँ पर कोई सिंबल वगैरह रैंक वगैरह से नहीं लिखा रहता है तो वो रैंक वगैरह भी नहीं लिखी है, सिर्फ यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है। इसलिए मेरी नज़र में इस तरह का कोई केस नहीं बनता, लेकिन आगे देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन देता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सेक्शन 140 आईपीसी की जिसके लिए एडवोकेट राकेश नाथ पांडे जी बात कर रहे हैं, है ना, मेरे ख्याल में उनको ये सेक्शन सही से देखना चाहिए था कि उसमें प्रोविज़न क्या, उसमें इंटेंशन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति की इंटेंशन है ये है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हो और ये दिखा रहा हो कि वो सोल्जर है, तब सेक्शन 140 आईपीसी की यूज़ होती है। तो यहाँ पर ये पनिशेबल ऑफेंस तब बनता है, तो पीएम मोदी के केस में ये कोई केस यहाँ पर नहीं बनता है। उम्मीद करते हैं ये न्यूज़ आपको पसंद आएगी। नमस्कार, जय हिंद।